गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज हम आपका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। योर फोर्थ चैप्टर इज मटेरियल। और मटेरियल में क्या है बेटा? अपना मेटल है और नॉन मेटल आता है, ठीक है। अब इस मेटल और नॉन मेटल, मेटल को हम धातु कहते हैं और नॉन मेटल हमारी अधातु होती है बेटा। अब इस मेटल और नॉन मेटल से पहले हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट, कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट तो एलिमेंट होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन है, मतलब ए सबस्टांस विच कैन नॉट बी ब्रेक इन टू टू और मोर सिंपलर सबस्टांस बाई केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है बेटा? वह सबस्टांस होता है जिसको हम दो या दो से अधिक सिंपल सबस्टांस में हम ब्रेक नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन द्वारा, ठीक है बेटा। या इसकी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, एन एलिमेंट इज ए सबस्टांस विच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं हम एलिमेंट। अब एलिमेंट के इसके एग्जांपल क्या है बेटा, कि जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटासियम, ये क्या है हमारे इसके एग्जांपल हो गए। अब जितने भी ये एलिमेंट हैं बेटा, हर एक एलिमेंट को का एक सिंबल होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से। हीलियम है, हीलियम को एच ई। आयरन है, आयरन को एफ ई, ठीक है बेटा। कॉपर है, कॉपर को सी यू। जिंक है, जिंक को जेड एन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि बेटा, जो ये एलिमेंट हैं नेचर के अंदर 92 एलिमेंट हैं। कितने? 92 एलिमेंट हैं। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम बेटा इसको इसकी प्रॉपर्टी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टी, एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। एलिमेंट को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, नंबर वन मेटल और नंबर टू नॉन मेटल। अब जो नेचर में जो 92 एलिमेंट हैं, अब इस 92 में से बेटा क्या है कि 70 जो हैं एलिमेंट, वे हमारे मेटल होते हैं बेटा। और 92 में से 70 के 20 क्या है कि ये हमारे नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल को भी बेटा हमने क्या है कि तीन उसमें डिवाइड कर दिए ग्रुप में, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसीय, ठीक है बेटा। अब एलिमेंट में जो 22 में से 10 नॉन मेटल है, जहाँ 10 नॉन मेटल है वो सॉलिड होते हैं, ठीक है बेटा। 92 में से अब 22 में से 10 जो नॉन मेटल वो सॉलिड हो गए। अब बचा फिर 12 में से एक है जो हमारा एग्जाम ब्रोमीन, वो बेटा हमारा लिक्विड हो गया। बाकी बचे 11 नॉन मेटल, 11 जो नॉन मेटल है वो बेटा हमारे क्या है, गैसेस है, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा एलिमेंट। अब क्या है कि बेटा, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है कि मेटल की और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। जो प्रॉपर्टी मेटल की होती है वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल की नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल है बेटा कि जैसे हमारा कि मेट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में इसमें क्या होता है, जैसे मेलिबल आता है, तो मेलिबल का मीनिंग होता है बेटा कि जिसको हम बीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर, जो हमारा हथौड़ा होता है बेटा, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा मेटल होता है उसको हम कूट सकते हैं, पीट सकते हैं बेटा, ठीक है, मतलब इस तरीके से। फिर क्या है हमारा मेलिबल का मतलब डक्टाइल, और डक्टाइल का मतलब होता है मतलब कि जो हमारा मेटल होता है उसको हम बेटा स्ट्रेच कर सकते हैं। और फिर मेटल से क्या है कि बेटा हम उसकी वायर बना सकें, वायर बना सकें, ठीक है बेटा। फिर है बेटा हमारा ब्रिटल,
ब्रिटल में क्या है कि बेटा इसको जो हमारी मेटल होती है इसका मीनिंग होता क्या है कि जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू पीसेस, टुकड़ा टुकड़ा में हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग, हैमर, ठीक है बेटा, या स्ट्रेचिंग या फिर अंबड़ा बढ़ा के नहीं। फिर नंबर फोर प्रॉपर्टी है आती है बेटा इसकी कि लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है बेटा एक तरीके से जैसे हमारे शाइनी होती है, चमकदार होता है जिसको हम चमक। तो बेटा ये फोर प्रॉपर्टी हैं मेलिवल, और मेलिवल में जैसे मेटल है जो सो कुछ चमकदार होती है, नॉन मेटल में वो चमकदार नहीं होती। मेटल को हम कूट पीट सकते हैं, नॉन मेटल को हम कूट पीट नहीं सकते हैं। ये और डक्ट और क्या है ब्रिटल होती है मेटल के, हम ब्रेक कर सकते हैं पीसीज में और उसको नॉन मेटल को ब्रेक नहीं कर सकते। ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है बेटा हमारे इसके करेक्टरिस्टिक आती है, मैं करेक्टरिस्टिक में हम मेटल और नॉन मेटल, ये इसकी बेटा हमारी करेक्टरिस्टिक आती है। अब जो मेटल है बेटा हमारी क्या है, वो मेलिबल होती है और डक्टाइल होती है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट का मतलब जो मेटल होती है विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम देम इजीली, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को आसानी से पास होने देती है उसको कहते हैं हम बेटा गुड कंडक्टर। और बैड कंडक्टर वह होता है जो बेटा अपने में से मतलब वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट या वो मटेरियल होते हैं जो अपने में से जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास नहीं होने देते, अलाउ नहीं होने देते, तो उसको कहते हैं हम बैड कंडक्टर या पोर कंडक्टर, ठीक है। फिर क्या है कि बेटा जो हमारी मेटल होती है वो शाइनी होती है, ठीक है, और मेटल हमारी हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमारी करेक्टरिस्टिक होती हैं बेटा मेटल की। फिर क्या है कि इसको जो हमारी मेटल होती है हम इसको आसानी से कट नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। आगे समझ में कि मेटल है कि नंबर वन ये मेलिबल होती है मतलब जिसको हम कूट पीट सकते हैं, डक्टाइल होती है, डक्टाइल जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, और ये गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की। मेटल हमारी शाइनी होती है, हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, और मेटल को हम इजीली कट नहीं कर सकते हैं। और जितने भी ऑल एलिमेटल हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं बेटा, ठीक है। ये है बेटा हमारे मेटल। अब इसमें क्या है कि बेटा जो मरकरी है, जैसे मरकरी विच इज ए लिक्विड मेटल होता है, तो मेटल का मेटल है जो होती है जो बेटा हमारा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है, ये प्रॉपर्टी है वैसा इसकी करेक्टरिस्टिक है सॉरी मेटल की। अब इसमें जैसे एग्जांपल में जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, गोल्ड है, पोटासियम है, क्रोमियम, सोडियम, पोटासियम, निकल, कोबाल्ट, लेड, कैडमियम, ये क्या है बेटा एग्जांपल है मेटल के। अब नॉन मेटल है बेटा, करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होता है बेटा कि जो नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक है कि ये तो ना तो ये मेलिबल होती है ना ये डक्टाइल होती है। मेलिबल जिसको हम हथौड़े की सहायता से बीट नहीं कर सकते और ना ही हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और ये ब्रिटल होती है, और ये जो नॉन मेटल होती है ये डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जो इसमें से पास नहीं होती हीट और इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट नहीं होती, अलाउ नहीं होती। तो ये करेक्टरिस्टिक है बेटा इसकी। और अब इसके एग्जांपल क्या है कि बेटा कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, यूनोन, ये एग्जांपल है नॉन मेटल के। अब नॉन मेटल के बेटा 22 हमारी नॉन मेटल हैं। 22 में से बेटा क्या है कि हमारे जो 10 नॉन मेटल है वह हमारे सॉलिड होती हैं, एक हमारा लिक्विड होते हैं जिसको हम ब्रोमीन कहते हैं, और 11 जो नॉन मेटल बची हमारे वो हमारी गैसेस टाइप में होती है। तो ये बेटा हमारी प्रॉपर्टी है मेटल एंड नॉन मेटल की। अब इसमें बेटा हमारा एक टॉपिक आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो क्या होते हैं कि मेटलॉइड्स कि वो एलिमेंट होते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है
वो इंटरमीडिएट होती है किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल में, उसको हम मेटलॉइड कहते हैं। जैसे नहीं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट, मतलब वो एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी होती है इंटरमीडिएट किसके बीच में, बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसको कहता है मेटलॉइड्स। अब फॉर एग्जांपल मेटल है बेटा हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉन मेटल हमारा गुड कंडक्टर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है बेटा। और जो मेटलॉइड्स है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट, यह मतलब कुछ करती हैं, और कुछ हमारा एक सेमी कंडक्टर होता है। सेमी कंडक्टर मीन्स जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जांपल हो जाता है, जो अपने में से सेमी कंडक्टर होता है जिसका फॉरबिडन गैप कंडक्टर से तो कम होता है और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है, वो होता है जिसमें से मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कुछ पास हो भी सकती है और कुछ नहीं, इस तरीके से होता है। एल्युमिनियम जर्मेनियम और सिलिकॉन, सॉरी जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके एग्जांपल है सेमी कंडक्टर है। अब मेटलॉइड के एग्जांपल है बेटा जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं, मतलब जो हमारे एक तरीके से सेमी कंडक्टर कह सकते हैं अदरवाइज। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।